सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर बैटरी की। तो फ्यूचर में बैटरी आने वाली है, लिथियम आयन बैटरी का आपने नाम सुना है, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो है एडवांस बैटरी आ रही है, बैटरियों में जो है काफ़ी कमी है, उनकी बात हम करेंगे। और भी जो है बैटरीज अलग अलग टाइप्स की मार्केट में आई हुई है, तो उन सब की बात जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप सबसे पहले देख पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन में बैटरी को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे और भी गैजेट्स जो हैं आए हुए हैं मार्केट में, वो भी आप यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी होती है बैटरी। लेकिन बैटरी के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जो आपने भी नोटिस की होगी कि बैटरी जो है फुल चार्ज हम उसे कर लेते हैं तो लगभग हाफ तक आ जाती है, तब तक तो वो एकदम बराबर काम करती है, लेकिन हाफ या उससे कम हो जाती है तो वो फटाफट से जो है डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये बैटरी में एक बहुत बड़ी कमी आज तक रही है। लेकिन यहाँ पर एक नया आविष्कार हुआ है बैटरी का, उसके अंदर जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए बैटरी बनाई गई है। उसका नाम दिया गया है लिथियम सल्फर बैटरी, जो कि एक सल्फर एनोड और कैथोड के द्वारा यहाँ पर काम करती है। मतलब उसके अंदर सल्फर लिक्विड भरा गया है, उसके आधार पर वो काम करती है। तो जो सल्फर लिक्विड है उसके ऊपर जब चार्ज होता है तब वो बैटरी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर काम करती है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो बैटरी है वो काफ़ी साइज में छोटी हो जाती है, काफ़ी पतली हो जाती है, यहाँ पर काफ़ी स्लिम हो जाती है। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि इस बैटरी में जो वेट है वो मतलब बहुत ही कम वेट होगा, जिससे आपका जो सेलफोन है, जो आप फ्यूचर में सेलफोन लेंगे उसका भी जो वेट है वो काफ़ी कम आपको मिलेगा। ज़्यादातर मोबाइल्स में जो वेट होता है वो नॉर्मली बैटरी के ऊपर ही आ जाता है, बैटरी में ही ज़्यादा जो है वेट होता है। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी सारी बैटरीज आई हुई है शुरू के अंदर, जब नोकिया 3310 आया था उसकी बैटरी काफ़ी मोटी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट था, जो कि मेड इन जापान, मतलब जापान के द्वारा वो बैटरी बनाई गई थी शुरुआत में। और उसके बाद भी जो है आज तक बैटरी चली आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बैटरी जो है जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है अगर फुल चार्ज करते हैं, तो पहले वाली जो शुरुआती चार्ज है उसका 50 से 100% वाला वो तो ठीक ठाक कर जाता है, लेकिन जब 50% या फिर 40% पर आ जाती है बैटरी तो फटाफट से जो है डाउन हो जाती है। उसके बाद जब 10% बैटरी बचती है तो वो भी जो है ज़्यादा देर चल जाती है। तो ये कमी इसमें क्यों है इसकी खोज कर ली गई है, और अब आने वाले जो सेलफोन है, मोबाइल फ़ोन या फिर और भी जो गैजेट्स हैं उनके अंदर आएगी लिथियम सल्फर आयन बैटरी, जो कि इस समस्या से परे होगी और जो है ऊपर से लेकर 100% से लेकर 4 या 5% तक जो है बराबर बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। और यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं बैटरी को जो यूज़ कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं, उनकी जांच जो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बैटरी जो है आम बैटरी से ज़्यादा चल पाएगी। मतलब एक दिन अगर ये बैटरी चलती है तो वो 1.5 दिन या फिर 2 दिन तक बैटरी जो है आराम से चल पाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है और खुशखबरी भी है कि सबसे बड़ी जो समस्या है दुनिया की वो सॉल्व होने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं चलती है। और बैटरी अगर मोबाइल के अंदर चल जाती है तो मोबाइल चाहे कोई भी हो काफ़ी जो है बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप देख पाएँ सबसे पहले। और लाइक शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।